وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.

सूर्य बकरा दर्श नंबर दो सौ अठारह आयत नंबर दो सौ त्रियासठ आज का मौजू क्या हम सदक़त दे कर ईज़ा रसानी के मरतकब होते हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज़ करते हैं सबसे पहले गुज्तर सबक का ए होगा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की

जो लोग अपना माल खुदा के रस्ते में सर्फ करते हैं फिर उसके बाद ना उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है और कयामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और नवो ग्राम सूर बकरा आयत नंबर दो सौ तिरसठ लफजी तर्जुमा कौलु मरूफ अच्छी बात व मकफरा और दरगुजर करना खैरुन बेहतर है मेन सदाफ़्तीत बाजा उस ख़ैरत से जिसके बाद ईज़ा रसानी हो या ईज़ा देना हो वल् हलीम अल्लाह ताला बेनियाज़ है और बुरदबार है गुजतः सबक में भी हमने इसके बारे में बात की थी और बात यह है सामने क्राम के किसी को सदक़ा दे के यानी इस आयत का मफहम यह है किसी को अगर आप कोई नफली सदक़ देते हैं और फिर उसे सताना भी आप शुरू कर देते हैं मैंने आपको मिसाल दी थी घर में एक छोटी बहन है वो मालदार है और एक बड़ी बहन है और वो गरीब है मतलब वो उसके पास माल नहीं है या वसाइल नहीं है तो छोटी बहन जो है फिर बड़ी बहन को अपने घर में रखती है उसे वो ख़र्चा पानी ये देती है लेकिन उसको सताती भी है गुस्से गालियाँ गालम गलोच रोब दाब ये भी करती है तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि देखो अगर तुम सदका नहीं देना ये सदका नहीं देने का इसमें तस्करा नहीं है लेकिन जो आयत है उसका मफहम ये निकलता है कौलुम आरूफ व महफरा अच्छी बात कर दो दरगुजर कर दो ये उससे बेहतर है कि तुम सदका दे के उसको सताओ ये मतलब इस आयत का बस ये मफहम है तो देखें इसमें वही बात आ जाती है कि अगर आपकी ज़िंदगी की नीयत ख़राब है या आप दुनियादार हैं या आपकी रजा अल्लाह की रजा अल्ला आपके के नज़र नहीं है हर काम में आपके अफरा तो तफरीत होगी ये एक बात नोट कर ले ये मैंने गुजशत सबक में भी कही थी और आज दोबारा कह रहा हूँ ये एक बुनियादी बात है और ये बात क़ुरान से मैं कह रहा हूँ साम अपने आप से तो ज़रूरत मैं नहीं कर सकता और ना मेरी कोई ऐसी हैसियत है ना कोई कुरान देखें असल चीज़ कुरान है और हदीस है बस ये दो चीज़ें हैं ये दलील है हमारे पास बुरहान है तो अब इसमें यह है कि अगर आप की ज़िंदगी गुजारने की नीयत सही ना हो और फिर मैं आपको ये कहूँगा यानी अगर आप मुझे ये कहें कि भाई ज़रा तफसील कर दो कि नीयत सही नहीं है तो मैं फिर वो क्या होंगी फिर ये होगा कि आप मन चाही ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगे आज जैसे कि हम जबान से तो कल में तयबा कब्रद करते हैं अपने आप को अहल ईमान में गर्दानते हैं मुसलमान कहते हैं लेकिन हमारे आमाल जो हैं वो मुसलमानों और मोमिनों वाले नहीं हैं उसकी वजह यह है कि हमारी बुनियादी नीयत जो है वो ख़राब है और दिन को तो हम समझे नहीं है सच्ची बात यह है न समझे हैं न समझना चाहते हैं ना अल्लाह हमारा हमारी मंजिल है ना मंजिल बनाना चाहते हैं तो अब यह है ना कि आप यानी अगर ऐसा है तो फिर तो आपके हर काम में अफरात तफरीत होगी इस पर मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूँगा थोड़ी सी वजाहत करूँगा आपको और ये बुनियादी बात है ये सिर्फ माल खर्च करने की बात नहीं है अगर आप की नीयत ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह नहीं है अगर तो फिर आपके हर काम में लाहीत नहीं होगी मन चाहिए ज़िंदगी आप गुजारेंगे या गुजारेंगी मन चाहिए अपनी मर्जी से ज़िंदगी खा ले पी ले जी ले बस यही आपका ओढ़ना बिछाना होगा पैसे नहीं है खाना नहीं है घर नहीं है कारोबार नहीं है बस यही रोना धोना लगा रहेगा सारी ज़िंदगी आपकी रोते हुए गुजर जाएगी मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि परेशानी हर उस शख़्स का मुकद्दर है अल्लाह की किताब के मुताबिक जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है और जहाँ तक ये दिल अल्लाह की याद से गाफिल है अल्लाह कुरान पाक में एक आयत है थोड़ा सा आप उसको सुनें और अपना तजिया करें वला तो अमन अख़ल ना कल बहू अन ज़िक्र ना व तबाह हवा वक़ा ना अमरूह फ़ुरता और आप उस शख़्स का कहना न मानिए जो जिसका दिल मेरी याद से गाफिल है वाला तो मन अख़लना कल बहु आंजिक उसका दिल कल्ब मेरी याद से गाफिल है व तबाह हवा हो अब ये करता क्या है यह करती क्या है ये अपनी मर्जी चलाती है ज़िंदगी में यह अपनी मर्ज़ी चलाता है जो भी वो मर्द औरत आप देखें खातून खाना जो है वो अपने ख्वाहिशात की बेदाम ग़ुलाम है मर्जी होगी तो शोर से अच्छे तरीके से मिलेगी नहीं होगी तो शोर को मुँह भी नहीं लगाएगी ये वैसे ही देखें ये, ये सिर्फ बीवी की बात नहीं है ये जो उसका खावन है उसकी भी बात है बल्कि ये तो मैं इनफरादी तौर पे आपको घर की जो इकाई है ख़ानदान की इकाई घर की बात करता हूँ वरना यह है तमाम माशरे की बात है और तमाम मुल्क की बात है मन उम्मत जो है हम सब इसी बीमारी का शिकार हैं कि हम दुनियादार लोग हैं अल्लाह से अल्लाह की किताब से अल्लाह के रसूल से हमने अपना रुख फेर के जाहिर की तरफ कर दिया है अच्छा इसमें मैं जो आपको बात बता रहा था या कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखें इसका अंदाज़ा लगाना आपको इतना मुश्किल नहीं है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कैसे कि आप अपनी ज़िंदगी को देख लें अपने चाल चलन को देख लें अपनी बातों को देख लें और अपने मिजाज को देख लें अपने ख्याल को देख लें अपने ख्वाबों को देख लें कि आपके ख्वाबों में क्या चीज़ है आपके ख्याल में क्या चीज़ें गर्दिश कर रही हैं तो अगर ये वो ख्वाब ख़यालत नज़रियात दुनिया ही के हैं और दुनिया ही के बारे में आप सोच रहे हैं और दुनिया ही के बारे में तो अब यह है ना कि आप दुनियादार हैं आप ना अल्लाह वाले हैं और ना आप होना चाहते हैं अब आपकी ज़िंदगी अफरात तफरीत का शिकार रहेगी हर मामले में कभी दिल खुश हुआ तो अच्छे तरीके से बोल लिए अगर आप खावंद हैं आपका पैसे आए मैं जेब पैसों से भरी हुए मिसाल के तौर पर अर्ज़ करो तो बस आप दिल लगी चाहते हैं बच्चों से हंस खेलते हैं लेकिन बाहर से अगर कुछ काम ख़राब हो गया है नुकसान हो गया है पैसे आज दिड़ी नहीं लगी है तो घर में आपका आके आपका मूड ख़राब रहेगा बात बात पे आप चिड़चिड़े हो जाएंगे मात मत करो मुझे अकेला छोड़ दो लीव मी एलोन प्लीज़ लीव मी एलोन मुझे अकेला छोड़ दो दरवाज़ा कभी बंद कर लेंगे बस मुझे कंबल लोड के लेट जाएंगे मिसाल के तौर पे सौ अलामत हो सकती हैं लेकिन एक बात वाज है कि आपकी आप, आप ज़िंदगी अगर ऐसा है कि अगर आपका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है तो आपके हर काम में अफरात तफरीत होगी वक़ाना अमरहू फुरोता व तबाह हवा और आप मन ज़िंदगी गुजारेंगे देखिए कुरान जो है हमारे लिए मिसल आईने की सी है इसमें आप अपना आईना देख सकते हैं इसकी आयत में यानी ये हमारा हाल है जो भी हमारी सूरत है अगर हम मुत्तकी हैं तो इसमें हमें अपनी तकवा वाली सूरत नज़र आएगी लेकिन अगर मुत्तकी नहीं है तो इसको देखेंगे तो हम बेजार होंगे कुरान से बेजार होंगे जिस तरह आज हम हैं बेजार कुरान से बेजार हैं अल्लाह से बेजार हैं अल्लाह के रसूल से ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं माज़ल्ला लेकिन हम हैं वो उसका क्या किया जाए दीन से हम बेजार हैं ये तो आप खुल्लम खुल्ला ये माशरा ऐसा पुकार पुकार के कह रहे हैं कि भाई हमें तो दीन की ज़रूरत नहीं है हमें तो क़ुरान की ज़रूरत नहीं है औरतें कह रही हैं अभी आठ मार्च गुजरा है खुवातन का योम आज़ादी तो देख लें उसमें क्या नारे लगते हैं और लोग क्या क्या कहते हैं क्या सोचते हैं आज का तमाम माशरा सामने निकला ये बेसरूपा माशरा है बेमकसद माशरा है बेहंगम माशरा है इसका रुख अल्लाह की तरफ नहीं है इसने अल्लाह से रुख फेर लिया है अल्लाह की याद से इसका दिल गाफ़िल है और फिर क्या मतलब ये तो एक तवील दुख बदी दास्तान है लेकिन यह है कि इसका नुकसान आपको ख़ुद भी होगा मिन हैसुल उम्मा आपको इस वक्त भी आप अल्लाह के आजाब में गिरफ़्तार हैं मैं आपको कहता हूँ आपको तो एहसास नहीं है इसका बाज़ लोग बाज़ वक्त मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई वो अजाब क्या है हम ना ये कैसा अजाब है हम तो खा रहे हैं पी रहे हैं जी रहे नहीं ये अजाब इलाही है कि पस्त कौम है दुनिया की आप मजाल है कि जो आवाज़ आप एक लगा सके हमारे बर्मा के भाई थे अभी भी हैं लाखों तशरीफ ले गए बांग्लादेश महाजिर बन के बुरे हालात में रह गए बर्मा बर्मा क्या चीज़ है छोटी सी एक ममलिकत है लेकिन वहाँ एक काफिर हुकूमत है बुत परस्त हुकूमत है उसने उनका जीना हराम किया है रोहिंगा मुसलमानों पर मजाल है कि जो एक लफ्ज़ आप कह सकें एटमी ताकत है भई पाकिस्तान एटमी ताकत है बस ब्रा नाम है ये तो आपने दिखावे के लिए रखा है चलाने के लिए थोड़ी रखा है उसको बना लिया अरबों डॉलर खर्च कर दिए अब उसकी हिफाजत पे आप लेकिन उसका तो कोई हासिल वसूल नहीं है आपके पास असल है फ़ौजी है कोई आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इंडिया में आप देखें कश्मीर ये हिंदुस्तान के मुसलमानों पर म हो रहा है अभी दो की बात है मार्च Uh, फरवरी मार्च के महीने में दिल्ली में फसादात हुए और मुसलमानों को बेदर्दी से मार दिया गया आपने कुछ कहा उसे बस करारदाद आप पास कर रहे हैं <coughs> और तो ये मुसलमानों की जो हालत है ना नि अबतर हालत है आज तो मुसलमान कौम का वजूद ही नहीं है मैं आपको कह रहा हूँ न मोमिनों की कोई जमात है न उनका कोई अमीर है न मोमिन है जमात न उनका कोई अमीर है और अमीर नहीं है तो इताद क्या होगी यानी ये तसवुर भी आज नहीं कि मोमिन आज इकट्ठे हो सकते हैं ये तसवुर भी आप नहीं कर सकते आज कल के हालात में कि मोमिन जो हैं ये मुसलमान मुल्क एक मुल्क बन सकता है क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि सऊदी अरब ईरान पाकिस्तान और ये सारे इस्लामी मुल्क जो हैं ये अपने आप इन जिम कर लें एक करेंसी हो जाए एक फ़ौज हो और ये अल्लाह के निज़ाम के लिए अहद कर ले कि हमने ख़ुद भी आ, एक नमूना बनना है और लोगों को भी दावत देनी है कैन यू अमेजन हुकुम तो मौजूद है वहात समूह जमिया अल्लाह की नसीक मजबूती से था लो। हजरत उमर हज़रत उस्मान, हज़रत अमीर माविया हज़रत अली के दौर में अलग अलग हुकूमतें नहीं थी वहाँ तो यानी खली ये नाजिम भिजवाए जाते थे अमीर यमन है अमीर मिसर है अमीर भिजवाए जाते थे एक ममलिकत थी एक ममलिकत तो आप आज क्या तस्वर कर सकते हैं मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ नो 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 यानी हम सोच भी नहीं सकते कि ये सब लोग एक अल्लाह की एक रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे और हुक्म तो मौजूद है वा तसीमो बेहब ला जमीम वाला तफर रखो तफरक का मत करो अल्लाह की एक रहो अल्लाह ये तो यानी यकताई पे अल्लाह ताला ने ज़ोर दिया है एक मुसलमान एक जमात है कजसद्दिन वादिन इसकी मिसाल एक जिसम की है ईरान लड़ रहा है सऊदी अरब से सऊदी अरब ईरान के ख़िलाफ़ है और सब लोग अपने अपने मफादात के डफली बजा रहे हैं क़तर जो है वो कहता है कि मैं हूँ मेरे अलावा तो कोई नहीं है फिर आपस में लड़ रहे हैं सऊदी अरब ने कतर का बाइकाट किया हुआ है सरहदें काट दी हैं न कोई चीज़ आ सकती है न जा सकती है इस पर आप गौर करें ना तो ये तो एक बड़ी बुरी सूरत हाल है जिसका हम शिकार हैं सामने का बहर ये सब हालात हमें देखना होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं और किस तरीक़े से हो रहा है मैं आपको कह रहा हूँ कि मुसलमानों की जमात न मुसलमान है न उसकी जमात है न न उसका कोई अमीर है ना ऐसा आज कोई तस्वुर है कि सब भाई भाई बन के रहें ये तो अल्लाह के रसूल ने वाज़ हुकम दिया है कि तुम सब भाई भाई बन के रहो हम तो एक भाई दूसरे का दुश्मन है ईरान है वो उस पर अपना एक ख्याल सवार है कि मैं तमाम दुनिया पे अपना रोब मुसलमानों में अपना निज़ाम अपनी ऐशियत को फ़रो दूंगा सऊदी वाले कह रहे हैं कि हम अपना वो करेंगे सऊदी वाले यहाँ मदरसे बना रहे हैं इमदाद उनको दे रहे हैं जो उनके हम ख्याल हैं मचाल है कि जो उनके मसलक के नहीं हैं उनको कोई एक रियाल भी दे दें ये नहीं होता बल्कि वो तो हमें मतलब हमारे एक हिस्से को काफिर और मशरक करार देता है सऊदी अरब वाले यानी जो उनके ख्याल में उनके मसलक के ख़िलाफ़ बातें हैं तो उनको वो मशरक करार देते हैं किताबें वो मुफ्त तकसीम करते हैं सऊदी वाले आपको मालूम है शायद आपको भी दी हो तो ये हाल है बहरहाल अल्लाह ताला ने जो आयत नंबर दो सौ पढ़ हम हैं, इसमें जो मजमून है वो ये है कि कौलु मरूफ अच्छी बात और दरगुजर करना कोई अगर हकदार है और आप उसको उसका हक़ नहीं देना चाहते तो अच्छी बात करो उससे मैं दोबारा ये बात करता हूँ हक़दार रिश्तेदार आपके मसाकीन या तो यत्तम ये हकदार हैं आपके माल में लेकिन अगर आप अपने माल में उनका हक़ नहीं यानी मानते कि इनका हक मेरे माल में नहीं है तो ठीक है आप मत दो उन्हें लेकिन सदका दे के फिर उनको सताओ इससे बेहतर है कि तुम उसको पहले ही कह दो अच्छे अलफा से नरमी से और उनसे दरगुजर की दरख्वास्त कर दो कि भैया मुझे माफ़ कर दो मैं नहीं कर सकता जाओ किसी और घर में जा के रहो हम नहीं बर्दाश्त करते तो, कर सकते तुम्हारे अखराजा मेरे पास पैसे हैं वो मेरे अपने हैं जाओ अच्छे तरीके से कौलु मरूफ व मगफ़िर अच्छी बात करना और दरगुजर कर देना हम बाज़ बहुत आते हैं ना तो हमारे पास होते हैं हम उनको कहते हैं कि माफ़ करूँ भैया तो बस अल्लाह ताला यहाँ फिर कि तुम दरगुजर करो माफ़ी की दरख्वा कर दो कि मुझे माफ़ करो बेहतर है खैर मिन सदकती यद बाओहा अज़ा ये उस उसके से बेहतर है जे जिसके बाद ईज़ा रसानी हो तकलीफ़ देना हो बातें सुनानी हो गालियाँ देनी हो और मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तरीक़े हैं सताने के वल्लाहु हा हलीम अल्लाह ताला बेनियाज है और बुरदबार है अल्लाह ताला बेनियाज है उसको परवाह नहीं है कि तुम सदका दे रहे हो या नहीं दे रहे लेकिन तुम्हारे हक़ में यानी ये देखें इसमें अल्लाह ताला दोनों बातें कर रहे हैं कि तुम एक तो बुरदबार बन जाओ हलीम बुरदबार बन जाओ यानी लोगों की अफजायर है कि आ, सारे लोग आपकी ख्वाहिशा के मुताबिक तो आपके साथ सलूक नहीं कर सकती ख्वा के वो आपसे पैसे ले ही क्यों ना रहे हों या आप उनको अगर सदका दें भी तो वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप में चूँकि दुनियादार इंसान वो होता है तंग दिल होता है तंग दिल दिल तंग हो जाता है मैं तो बड़ी तंग हूँ मैं तो बड़ा तंग हूँ यार मैं तो तंग आ गई हूँ इससे भाई कहता है मैं अपने भाई से तंग आ गई हूँ बहन कहती है मैं अपनी बहन से या अपने भाई से तंग हूँ तो नहीं अल्लाह ताला फरमा रहे मैं बुरदबार हूँ मेरी सिफत अपने अंदर पैदा करो हौसला करो बुरदबार बनो हलीन <coughs> फिर नी अल्लाह ताली फरमाए कि तुम इसमें दो मजमून है अल्लाह ताला को तुम्हारे सदक़ात की ज़रूरत नहीं है बजाय इसके कि तुम एक आ, किसी को सदका दो फिर उसे तकलीफ़ तो ये मखलूक़ तो अल्लाह की आयाल है तो अलखल तो तो को आयाल तो अल्लाह की मखलूक़ को सताना नहीं चाहिए <coughs> ये एक बात जो है आप नोट कर लें हम तो एहसास नहीं होता हमें तो किसी चीज़ का एहसास नहीं है ये ही क्या लेकिन हम तो सताते हैं और सताना जो है आप देख लें एक बाप होगा मैंने ख़ुद मतलब मैं अपना मुशाह आपके सामने बयान कर करूँ <coughs> वैसे ये बात करूँ कि एक दुकानदार है उसकी दुकान है मैं न दुकानदार का नाम ले रहा हूँ और न उसकी जो दुकान है उसकी कस्म बयान कर रहा हूँ लेकिन दुकान चलती है उसकी गाहक आता है सामान बिकता है और उसके पास एसेट्स भी हैं अब उसके यानी दिल में एक नशा है पैसे का अब दुकान में जो कारीगर काम कर रहे हैं जो सेलमैन हैं इंतहाई बुरा रवैया है उसकी उम्र से ज़्यादा लोग हैं आ, उस दुकान में जो मज़दूरी कर रहे हैं दिहाड़ीदार मज़दूर हैं और मुद्दतों के हो गए लेकिन आमिराना एक रवैया है बात बात पे उनको यानी बातें सुनाना सख्त लहजे में बात करना और बसा अवकात हाथ उठाना ये मेरी अपनी आँखों दे आ, आ, आँखों दे का हाल है यानी मैं खड़ा हुआ था तो सेलमैन मैंने एक चीज़ मांगी मैंने एक चीज़ मांगी उससे तो वो जनाब जाहिर है कि वो बड़ा आदमी था उस यानी दुकानदार से उम्र में बड़ा था बुज़ुर्ग था दाढ़ी रखी हुई थी बारिश था तो उसने किसी भी बात पे कोई भी बात है उसने उस पर ऐसे हाथ उठाया मारा तो नहीं हाथ उठाया सख्त बात कहते हुए यानी तकरीबन हाथ रोक लिया उसने हाथ बढ़ाया लेकिन रोक लिया थप्पड़ नहीं मारा बस <laughs> अच्छा इनका रवैया अपने दुकान के साथ दुकान के लोगों के साथ ऐसा होता है ज़ाहिर है और फिर बच्चों के साथ उसका रवैया अपने बेटों के साथ बच्चों के साथ रवैया वैसा नहीं होता वो तो शफकत वाला होता है तो ये देखें रवैयों में तब्दीली अब अल्लाह ताला ने तो ये नहीं फरमाया वक़ूलना से हसना अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अच्छी बात किया करो अच्छे अखलाक से काम लो और बाहिर वो शख्स दीनदार, मैं उसकी ज़्यादा तफसील नहीं कर रहा वरना किसी जमात पे वो आ जाएगी दीनदार, दाढ़ी छोड़ी भी है बड़ी उम्र का है मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा उम्र का है तो बहर तो इस तरीके से अब यह है ना कि अल्लाह ताली पर माना है कि देखो तुम बुरदबार क्यों नहीं हो तुम में हौसला क्यों नहीं है बात को बर्दाश्त क्यों नहीं करते <coughs> और तुम तंगदिल क्यों हो तुम लोगों को क्यों सताते हो तुम तकलीफ़ क्यों देते हो लोगों को अल्लाह ताला तो ऐसा नहीं है अल्लाह से यानी अल्लाह की मखलूक में अक्सरियत जो है वो उसकी नाशुक्री है लेकिन अल्लाह ताला सबको बराबर रिस्क दे रहा है और बहुत बहुत दे रहा है आप देख लें ये तरक् याफ़्ता ममालिक जिसको आप कहते हैं नाम नेहाद तो वो देख लें अभी मैं एक वो पढ़ रहा था एक अमरीका में एक अदारा है उसने अपने मुलाजमीन की सालाना तनख्वाह सत्तर हज़ार डॉलर कर दी है अब सत्तर हज़ार डॉलर यहाँ के हिसाब से आ, कोई एक करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना तो एक करोड़ यानी आप तकसीम करें एक करोड़ को तो आप देख लें कितने आते हैं तो वो सालाना तनख्वाह अब वो तो ना अल्लाह को मानते हैं ना कोई दीन है बरा नाम ईसाइत है जिस तरह हम ब्रा नाम मुसलमान हैं वरना तो उनका कोई दीन नहीं है लेकिन अल्लाह ताला दे रहे एक इदारे के सरबरा ने अपने मुलाजमी की तनख्वाह ये अभी की खबर है आज ग्यारह मार्च है 2020 की ये दो तीन दिन पहले बीबीसी पे ये आर्टिकल आया था कि उसने अपने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा है एकदम बढ़ा दी एक करोड़ तकरीबन ज़्यादा सालाना तनख्वाह है अब ये तो आठ लाख रुपए महीने महीने आता है या हमारे हिसाब से आठ लाख से आठ लाख से ज़्यादा आता है तो आप देख लें आठ लाख रुपए और यहाँ आप देख लें यहाँ तो इतनी तनख्वाहें नहीं हैं यहाँ मजदूर की तनख्वाह आम तौर पर बीस हज़ार है तीस हज़ार है इससे ज़्यादा तो नहीं है मज़दूर की तनख्वाह जो भी है लेकिन अल्लाह ताला दे रहे हलीम है बुरदबार है गनी है बेनियाज है तो ये दोनों सिफात जो हैं अल्लाह ताला फरमाना है कि ये मेरी सफात है इसको तुम अपना लो अपने अंदर हिल पैदा करो बुरदबारी पैदा करो और ये सारे बातों की एक बात जब तक आपका रुख अल्लाह की तरफ नहीं होगा आपकी मंजिल अल्लाह नहीं होगी तो आप में ये तमाम सिफात पैदा हो नहीं सकती ये बात नोट कर लें आप तकवा का लिबास पहन ही नहीं सकते मतकी आप बन ही नहीं सकते मोमिन तो आप हैं ही नहीं जब तक अल्लाह आपकी मंजिल नहीं है और आपकी ज़िंदगी आपने अल्लाह के लिए खालिश नहीं कर दी या अपना रुख टोटली अल्लाह की तरफ नहीं फेर दिया आप में ये कोई सिफत पैदा नहीं हो सकती ये बात नोट कर ले वैसे ही बेजा तकलीफ़ें ना करें कि या यार बस मैं ये नेक काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो आप तकलीफ़ ना करें पहले तो आप पहली सीढ़ी जो है वो दुरुस्त करें अपना ज़िंदगी का रुख अल्लाह की तरफ कर लें जिंदगी अल्लाह के लिए ख़ास कर लें और इससे क्या होगा कि आपके हर काम में फिर लाहीत पैदा हो जाएगी अल्लाह के लिए और फिर आपकी ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजरेगी और हर काम में असलाह होगी ये मैं नहीं कह रहा ये कुरान की आयत का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ अभी वक्त नहीं है वरना मैं आयत भी कोट कर देता लेकिन ऐसा ही है बहरल मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथीम तो بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف ترجمه سنا دے. اچھی بات व मखफ़िरा दरगुजर करना खैर सदकती यत बाहा अज़ा बेहतर है उस खैरत से जिसके बाद ईजा देना हो वाहन हलीम अल्लाह ब्यायाज़ है बुरदबार है अबिनायत की तिलावत और तर्जुमा

जिस खैरा देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए उससे तो नर्म बात कह देनी और उसकी बेअदबी ऐसी दरगुजर करना बेहतर है और खुदा बेपरवाह और बुरदबार है इसके साथ ही सामने ग्राम आज के दर्श का वक्त अख्ताम को पहुँचा